आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.3 के हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ए बी सी पार्ट्स हमने कर लिए थे, जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आज हम कवर करेंगे। देखते हैं मेरा बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट में हमें क्या पता चला कि रुपीज 8000 फॉर वन ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से हमारे पास क्या है, हाफ ईयरली का कंसेप्ट आया है कि हाफ ईयरली हमें क्या करनी है, कंपाउंड करनी है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 8000 रुपीज। उसके बाद जो हमारे पास जो टाइमिंग है वो कितनी है, वन ईयर की है। लेकिन हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालना है। हाफ ईयरली में करेंगे तो वन ईयर में टू टाइम्स, यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय टू, यानी कि टू हाफ ईयर है। वन ईयर कितने हाफ ईयर होते हैं, टू हाफ ईयर। अब इसी बात जो हमारे पास रेट है वो कितनी है, 9% है, लेकिन ये कैसे है, पर एनम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट को भी हाफ ईयरली में निकालेंगे। कितना आएगी, 0.5%, 9/2 उसका 0.5% हो जाएगा। कितना जीवन उसका 0.5% क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम प्लस। तो हमारे पास अमाउंट निकलती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बन जाएगी। यहाँ से कितना आ गया, 9/2। 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 हाफ में 2, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म में चला जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 2 × 100। इसको कंप्लीट को क्या लिख देंगे, 200। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसका सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास, 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 मिल जाए, 200 प्लस में 9, 4, 5, 20। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई, ये वैल्यू बन गई हमारे पास कितनी आ गई है, 209 मल्टीप्लाई बाय 209 और मल्टीप्लाई बाय कितना है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 5 आएगा। इस सारी वैल्यू को हम सोल्व कर लेंगे, आंसर क्या आएगा देखते हैं, 209 मल्टीप्लाई बाय 209 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8736 में वैल्यू आएगी 20। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास क्या बनती है, हमारी अमाउंट। इसको सोल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8736.0 रुपीज़। ये हमारे पास क्या हुई, अमाउंट। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें अमाउंट भी बतानी थी, क्या बताना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास क्या आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी आएगी, जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अमाउंट कितनी है, रुपीज़ कितने हैं, 8736 रुपीज़ एंड 20 पैसे, माइनस में कितना है, 8000। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ₹736.20। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट नंबर हमारे पास आ गया है ई वाला पार्ट है, ₹10000 फॉर वन ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड इन हाफ ईयरली। फिर से हमारे पास क्या है, हाफ ईयरली है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है वो तो हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन जो टाइम है हाफ ईयरली में करना है जो टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी कि वन से कितना हो जाएगा, टू हाफ ईयर। वन ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, टू हाफ ईयर्स। और जो हमारे पास ये टाइम ये 8% का है, हम इसको भी क्या निकालेंगे, हाफ ईयरली निकालेंगे, कितना आएगी, 4% हाफ ईयर।
कितनी है 10,000। 1+r r की वैल्यू कितनी है 4%, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 10, n की वैल्यू कितनी है 2। 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 5, 25 4 का कितना होगा 100, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25। ये जो वैल्यू आई है9
फिफ्टी, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, कंप्लीट तो कैंसिल आउट होएगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम डिवाइडेड बाई 100 वैल्यू को कर देंगे। तो वैल्यू देखते हैं मैंने कितनी आ रही है, 4 3 12, 1 3 बन जा 3 और 1 4, 9 3 27, 3 4 12 12 और 2 14 1 3 3 9 और 1 कितना आ गया 10। तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, कितना आ रहा है वैल्यू बन रही है हमारे पास ये, सॉरी बेटा देखेंगे यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, 3 5 15 होता है, ये 5 से पहले जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी बेटा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारे पास कितना आएगा, 1745.70। ये हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, किसके लिए, 1/3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट केवल है, और 2 ईयर्स के लिए जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा वो हम यहाँ से निकाल देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए क्या आएगा, जो हमारे अमाउंट आएगा अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, 34,940 माइनस में कितना है, 26,400। तो वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 14 का हमारा आंसर जाएगा। इसके बाद हमारे पास 9 में से 5 बचा तो 4, ठीक है, 4 में से 6 तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट, कितने ईयर्स के लिए जाएगा वो, 2 1/3 ईयर्स के लिए निकलेगा हमारे पास। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये जो आंसर है और जो वो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 8514 प्लस में 1745.70। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, जो हमारे पास क्या आएगा, आंसर ऐड कर देगा ये। तो अब इसके बाद हम इसको सम अप कर लेते हैं, वैल्यू कितनी बनेगी, 0.7 तो हमारे पास है, 4 और 5 हो गए 9, 4 और 1 कितना आ गया 5, 7 और 5 कितना आएगा 12, और 8 और 1 9 और 1 क्या है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो है ये इंटरेस्ट आ गया, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी है कि टोटल जो इंटरेस्ट आया वो हमने कितना पे किया है, 10,259 रुपीज़ एंड 17 सेवेंटी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे कि इसमें अमाउंट लास्ट में कितनी पेड, तो पेड अमाउंट कैसे निकलेगी, पेड अमाउंट कैसे आएगी, ये जो स्टार्टिंग में उसने अमाउंट उठाई थी वो वाली 26,400 प्लस में उसने कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया, तो 10,259.70। ये हमारे पास आएगी, अब हम इसको क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे, 9,759.70। अब इसके बाद 4 और 4 कितना आ गया, 6 0 प्लस में 6 6, और 1 और 2 कितना आएगा, 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना आया, 36,659.70। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, थैंक यू।